देखिए और सुनिए कुछ ऐसे ही अनुभव जहां विभिन्न ब्रेन संबंधी गंभीर से गंभीर बीमारियों के पेशेंट ने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से जीत हासिल की। मेरा नाम आसिया अंसारी, मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया था। मेरे नाना है, उन्होंने बताया अर्पित सर के बारे में, तो उससे काफी फर्क हो रहा है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के पास जाएं और फिर उनको दिखाएं, आपको फायदा होगा। जो 6 साल तक हम परेशान हैं एलोपैथी दवाइयों में, 2 बार ऑपरेशन किया हमने, मेहनत भी उतनी लगी लेकिन उसके बावजूद कोई रिजल्ट वैसा नहीं मिल पाया। लेकिन वहीं पर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से 6 महीने के अंदर ही हमें रिजल्ट मिल गया और इतना अच्छा मिला कि हम बहुत खुश हैं उससे। लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ब्रेन ट्यूमर या कैंसर जैसी बीमारियों के लिए आप सर्जरी के लिए ना जाएं, पहले आप अर्पित चोपड़ा सर की मॉडर्न होम्योपैथी दवाई लेकर देख लें जरूर। मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक, जंजीर वाला चौराहा, इंदौर। आइए मिलते हैं कैंसर जैसे भयानक रोग पर मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा की जीत की सच्ची दास्तान। मेरा नाम केसी सैनी है। बाथरूम से बाहर निकल रहा था, एकदम बहुत भारी स्पर्न हुआ, उसके बाद में हॉस्पिटल में लेके गए सेचल में। 2-4 दिन तक उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करा, तब उसमें पता लगा कोई नर्स है जो ट्यूमर उसको दबाता है, उससे स्पेन होता है। जैसा कुछ भी उनको जानकारी मिली होगी, कोई पहले तो डॉक्टर साहब से मिल लेते हैं, चोपड़ा साहब से पलाशिया में, तो ये लोग उससे मिले, 15 दिन में खाना पीना भी शुरू हो जाएगा और ये बीमारी भी खत्म हो जाएगी। तो डॉक्टर तो सभी हैं, बहुत है, उससे भी बहुत बड़े बड़े, बाकी उसका जो मतलब ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो सेट फूल है। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक, जंजीर वाला चौराहा, इंदौर। आइए मिलते हैं कैंसर जैसे भयानक रोग पर मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा की जीत की सच्ची दास्तान। मेरा नाम आसिया अंसारी, मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया था। मेरे नाना हैं, उन्होंने बताया अर्पित सर के बारे में, तो उससे काफ़ी फर्क हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के पास जाएं और फिर उनको दिखाएं, आपको फायदा होगा। जो 6 साल तक हम परेशान हुए एलोपैथी दवाइयों में, 2 बार ऑपरेशन किया हमने, मेहनत भी उतनी लगी लेकिन उसके बावजूद कोई रिजल्ट वैसा नहीं मिल पाया। लेकिन वहीं पर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से 6 महीने के अंदर ही हमें रिजल्ट मिल गया और इतना अच्छा मिला कि हम बहुत खुश हैं उससे। लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ब्रेन ट्यूमर या कैंसर जैसी बीमारियों के लिए आप सर्जरी के लिए ना जाएं, पहले आप अर्पित चोपड़ा सर की मॉडर्न होम्योपैथी दवाई लेकर देख लें एक बार जरूर। मैं सर को थैंक यू कहना। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक, जंजीर वाला चौराहा, इंदौर।
आइए मिलते हैं कैंसर जैसे भयानक रोग पर मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा की जीत की सच्ची दास्तान। नमस्ते, मेरा नाम फातिमा है, मैं सागर से बोल रही हूँ। पैनक्रियास सिस्ट हो गई थी तो उसका ऑपरेशन कराया, एक साल बाद तकलीफ हुई, नागपुर में जांच वगैरह हुई, इंदौर में कराया ट्रीटमेंट, उदा की दवा खाई तो उसमें दवा में आराम था, सोनोग्राफी कराई तो नहीं निकला उसमें। अर्पित चोपड़ा जी की मॉडर्न होम्योपैथिक की दवा से मुझे आराम है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक, जंजीर वाला चौराहा, इंदौर। आइए मिलते हैं कैंसर जैसे भयानक रोग पर मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा की जीत की सच्ची दास्तान। अदर जय जिनेंद्र, मैं कांता देवी बापना बोल रही हूँ। अर्पित चोपड़ा की दवाई चल रही है मेरी, मैं उसमें एकदम ठीक हूँ। मेरे को कमजोरी बहुत आ गई और बुखार भी आ गया था, एकदम सहन नहीं कर पाई मैं तो वो रही थी, पर कीमो से मेरे को ज़्यादा तकलीफ हुई थी। अर्पित चोपड़ा की ऐसे मेरी पहले दवाई चालू हो गई थी, ऑपरेशन के पहले ही चालू हो गई थी, जिस दिन मालूम पड़ा उस दिन से अर्पित चोपड़ा ने दवाई चालू कर दी थी। मैंने मना कर दिया था, कीमो नहीं लगाऊंगी, मैं नहीं सहन कर पाऊंगी, और रेडिएशन थेरेपी भी बोला मैंने, सब कुछ नाप दे के भी आ गया, पैसे भी जमा कर दिए, नहीं गई मैं, ये दवाई से मैं ठीक हो जाऊँगी। ऐसे आराम लगने लग गया था, मतलब 10-15 दिन से ऐसे आराम आने लगा, फिर धीरे धीरे मतलब पूरा आराम आने लग गया, कोई समस्या नहीं। डेली रूटीन की मैं कर, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा बहुत बहुत बधाई हो, बहुत सारा धन्यवाद आज मेरे लिए किया है, जो मेरे लिए चमत्कार हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद, जय जिनेंद्र। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक, जंजीर वाला चौराहा, इंदौर। आइए मिलते हैं कैंसर जैसे भयानक रोग पर मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा की जीत की सच्ची दास्तान। नमस्कार, मेरा नाम जिज्ञासा पाठक है, ये मेरी बेटी अद्विका पाठक। एक्चुअली ये इसे प्रॉब्लम थी ब्लड कैंसर की, काफी सारे टेस्ट करवाए, सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बट फाइनली कुछ टाइम बाद हमें वहाँ के डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि हम इंदौर में आके उसके टेस्ट करवाएं, चेकअप करवाएं। और यहाँ पर जब हमने एडमिट किया बेटी को, तो वहीं के एक सज्जन पुरुष ने हमें अर्पित चोपड़ा जी के बारे में बताया। सो शुरुआत में जब हम इस मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के लिए गए, तब हम खुद भी बहुत संकोच में थे हम, बट जहाँ तक मॉडर्न होम्योपैथी की बात करें और मेरा इसके साथ का एक्सपीरियंस की बात करें, तो वो बहुत अच्छा रहा है। हमें ठीक से पता भी नहीं चला कि इतनी गंभीर बीमारी से हम निकल गए, आज ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है और अब इसे आगे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। मैं तो लोगों को यही सलाह दूंगी कि उन्हें प्राइमरी स्टेज पे मॉडर्न होम्योपैथी को अपना लेना चाहिए। थैंक यू। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक, जंजीर वाला चौराहा, इंदौर। आइए मिलते हैं कैंसर जैसे भयानक रोग पर मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा की जीत की सच्ची दास्तान। नमस्कार, मेरा नाम पूजा लश्करी है, मुझे पैरों में यहाँ पर गठान थी, तो बार बार कहीं पे भी हो जाती थी, और क्या बोलते कहीं पे भी किसी भी जगह हो सकती है वो, कहीं पे भी। ऑपरेशन भी करवाया था, तो ऑपरेशन से मतलब हमको पहले पता नहीं था अर्पित चोपड़ा का, नहीं तो हम वहीं पे जाते, ऑपरेशन भी नहीं होता, वो पहले ही कर देते सही। केमोथेरेपी भी हुई 2 बार, और बहुत ज्यादा दर्द होता था, मतलब इससे हाथ पैर धूसते थे मेरे, तो होम्योपैथिक दवाई से सही हूँ मैं। पूरी पलंग पे ही थी, उठ भी नहीं पाती थी मैं, ना बैठ पाती थी जरा सी भी, होम्योपैथिक दवाई से ही ठीक हुई हूँ। तो फिर इनसे करवाया अर्पित चोपड़ा से, तो अब ठीक हूँ मैं बहुत ज्यादा, तो अब तो बैठ भी पा रही हूँ, नहीं तो पहले तो मैं बैठ भी नहीं पाती थी। धन्यवाद कहना चाहूंगी मैं तो, उन्होंने इतना सही कर दिया मुझे, अर्पित चोपड़ा जी की होम्योपैथिक ही सही है। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक, जंजीर वाला चौराहा, इंदौर। आइए मिलते हैं कैंसर जैसे भयानक रोग पर मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा की जीत की सच्ची दास्तान। नमस्कार, मेरा नाम मंजू जौहर है, मैं 780 उषानगर एक्सटेंशन इंदौर में रहती हूँ। साल 2013 से मुझे बीमारी मालूम पड़ी है, मेरे पाँव में पानी भरा गया था, पाँव में पानी भराते भराते मेरे पेट में पानी भरने लग गया था। बॉम्बे हॉस्पिटल में दिखाया,
उन्हें मेरी बायोप्सी करी, बायोप्सी से मालूम पड़ी कि मुझे कैंसर है और वो मुझे बॉम्बे भेजा उन्होंने। इलाज चलाते चलाते मालूम पड़ी कि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा साहब दवाई देते हैं इसकी। उन्होंने दवाई जो दी उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। धीरे धीरे मुझे प्रोटीन जो मेरे जाता था वो प्रोटीन मेरा धीरे धीरे नॉर्मल होता गया। वो नॉर्मल होते होते मुझे मालूम पड़ा कि मेरा प्रोटीन बिल्कुल लेवल पे आने लग गया है। उसके बाद फिर हमने जांच करवाई तो मुझे नॉर्मल एकदम रिपोर्ट आने लग गई। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा भगवान जैसा हो गया, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक, जंजीर वाला चौराहा, इंदौर। भारत उभरता भारत के साथ सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के जनक अपनी मेहनत और रिसर्च के जरिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन आज असंभव को संभव कर जटिल बीमारियों को ठीक कर मरीजों को नया जीवन प्रदान कर रहे हैं, जिसका साक्ष्य स्वयं आपके सोशल मीडिया पेज पर मरीजों के प्री और पोस्ट इलाज के हजारों वीडियो के द्वारा उपलब्ध है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन आज भारत ही नहीं करीब 19 से ज्यादा देशों में सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा अपने मरीजों की जटिल बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। भविष्य में इसकी साक्ष्य रिपोर्ट WHO को प्रस्तुत कर इसे भारतीय सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के रूप में पहचान दिलाने का लक्ष्य लेकर आप भारत को और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का नाम विश्व स्तर पर लाना चाहते हैं।
Thank you.
Thank you.
Thank you.